गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के मानव भूगोल में मानव प्रजातियों से संबंधित या मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व, ठीक है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखिए, मानव प्रजातियां जो विश्व के अंदर पाई गई हैं, उनको वर्गीकृत करने के लिए कुछ मानकों को निर्धारित किया गया। उन मानकों के अंदर आनुवांशिक जो विभिन्नताएं हैं उनको भी सम्मिलित किया गया, लेकिन आनुवांशिक जो भिन्नताएं थी वो कई कारकों से प्रभावित होती हैं। अब वो किन कारकों से प्रभावित होती हैं? देखिए, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, यौन चयन, या हम ये कहें प्रजातियों का मिश्रण, ये सभी जो है वो आनुवांशिक विभिन्नताओं के प्रभावित करने वाले कारक हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मानव की प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए मुख्य आधारभूत तत्व में शारीरिक लक्षण को माना गया है। शारीरिक लक्षण। अब शारीरिक लक्षण में क्या है कि हमारे शरीर के आंतरिक जो गुण हैं उनमें, और जो शरीर के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि रस का स्त्राव करती हैं, वो रस का स्त्राव करना और शारीरिक गुणों में परिवर्तन और विशिष्टताओं के कारण विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है, जिनमें हमने मुख्य किसको आधारभूत तत्व माना है? शारीरिक लक्षणों। जब हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो शारीरिक लक्षणों को भी दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हो गए दो शारीरिक? एक तो हो गए आपका बाह्य लक्षण, बाह्य शारीरिक लक्षण, ठीक है, बाह्य शारीरिक लक्षण, और दूसरा है आंतरिक शारीरिक लक्षण, आंतरिक शारीरिक लक्षण, ठीक। अब हम बाह्य शारीरिक लक्षण और आंतरिक शारीरिक लक्षण किसे कहेंगे? देखिए, बाह्य शारीरिक लक्षण का मतलब है कि मानव के वो बाहरी लक्षण जो बिना किसी यंत्र के हमें स्पष्ट परिलक्षित होते हैं वो बाह्य शारीरिक लक्षण कहलाते हैं। कैसे कि देखिए, शरीर का कद देखने के लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बालों के रंग और बनावट की बात करें तो बालों का रंग और बनावट भी अगर हम उसका निर्धारण करते हैं तो उसके लिए भी हमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मानव के वे शारीरिक लक्षण जो बाहर से ही परिलक्षित हो जाते हैं बाह्य शारीरिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे हम किस किस को ले सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले है त्वचा का रंग, ठीक है। सेकेंड है आपका शरीर का कद या लंबाई, ठीक है, बालों का रंग व बनावट, होठों का आकार, मुखाकृति, आंखों का रंग व बनावट। यानी कि ये जो लक्षण हैं ये आपको मानव के शरीर में बाह्य रूप से ही दिखाई देते हैं। जब हम आंतरिक लक्षणों की बात करें तो आंतरिक लक्षण वो होंगे जो मानव के शरीर के अंदर हो और जिन्हें देखने के लिए किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे आपका मानव का जो अगर अंदर के शारीरिक लक्षण देखने हैं तो एक यंत्र आता है जिसको हम मानव मापक यंत्र कहते हैं,
मानव मापक यंत्र एंथ्रोपोमीटर, और एक होता है आपका वर्नियर कैपिलर। इनके आधार पर आप शरीर के अंदर की हम बनावट को देख सकते हैं। अब आंतरिक लक्षण कौन से होंगे, तो आंतरिक लक्षणों में आता है आपका सिर का आकार, सिर का आकार। एक होता है आपका नासिका आकृति या नाक की आकृति, ठीक है। आपके आएगा जबड़ों का आकार, कपालधारिता, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जिसे हम कहते हैं, ये सभी मानव के आंतरिक शारीरिक लक्षण हैं जो किसी न किसी यंत्र की सहायता से हम मानव के शरीर के अंदर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इन बाह्य शारीरिक जो लक्षण हैं जिनके आधार पर विभिन्न मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है, तो सबसे पहले हम बाह्य लक्षणों से प्रारंभ करेंगे। त्वचा का रंग, पहला है त्वचा का रंग। देखिए, आपने संपूर्ण विश्व के अंदर पाई जाने वाली प्रजातियां जो कि विभिन्न रंगों की होती है उनको हमने देखा है। त्वचा का रंग जो है वो किससे इफेक्टेड होता है, तो त्वचा का रंग जो है जलवायु से इफेक्टेड होता है। यानी कि सर्वाधिक रूप से हम कहें तो जलवायु का प्रभाव जो है त्वचा के रंग पर पड़ता है। आप देखिए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अगर हम चले जाए जहाँ पर तापमान बहुत उच्च पाए जाते हैं, तो वहाँ उच्च तापमान के कारण त्वचा का रंग बहुत गहरा या काला पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते जाते हैं तो त्वचा के रंग में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, यानी कि त्वचा का रंग जो है वो गोरा होने लगता है। तो केवल मात्र जलवायु ही एक ऐसा तत्व नहीं है जो मानव की त्वचा के ऊपर इफेक्ट डालता है, वरन मानव की त्वचा में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जैसे मेलेनिया है, कैरोटीन है, हीमोग्लोबिन है, ये इनकी कम या अधिक मात्रा भी मानव की त्वचा पे, त्वचा के रंग पे इफेक्ट डालती है। कैसे डालती है कि देखिए, अगर मानव की त्वचा में मेलेनिया की मात्रा अधिक हो जाती है तो त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, और यदि कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है तो त्वचा का रंग गेहुआ हो जाता है, यानी कि पीत वर्णी, जिसको हम पीलापन लिए हुए कहेंगे वो होता है। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे त्वचा के अंदर ज़्यादा हो जाए तो त्वचा का रंग गोरा या लाल गुलाबी होने लगता है। तो क्या हुआ कि त्वचा के रंग पर दो चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, एक तो जलवायु और दूसरा हमारी त्वचा में पाए जाने वाले मेलेनिया, कैरेटीन और हीमोग्लोबिन। तो जो त्वचा का रंग है, इस आधार पर कुवियर महोदय ने प्रजातियों को वर्गीकृत किया है, और इन्होंने त्वचा के रंग के आधार पर तीन प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, देखिए पहली है आपकी ल्यूकोडर्म, जिसे हम श्वेत प्रजाति कहते हैं। श्वेत प्रजाति कौन सी है? कॉकेशियन प्रजाति जो है उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? श्वेत। यहाँ श्वेत से मतलब बिल्कुल सफेद से नहीं, गोरापन लिए हुए होता है, यानी कि ल्यूकोडर्म प्रजाति। दूसरी है आपकी कैथोडर्म, जिसे हम पीत प्रजाति या पीत वर्णी प्रजाति भी कहते हैं, जो कि कौन सी है? मंगोलियन प्रजाति। और तीसरा है आपका मेलानोडर्म, जिसे हम काली प्रजाति या श्याम वर्णी भी कहते हैं, ये कौन सी होगी? आपकी निक्रोइड प्रजाति, ठीक है। तो कुवियर महोदय ने त्वचा के रंग को आधार मान करके तीन प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, कॉकेशियन जो कि श्वेत प्रजाति है, मंगोलाइड जो कि पीली प्रजाति है, और निग्रोइड जो कि काली प्रजाति। चलिए नेक्स्ट है आपका शरीर का कद,
शरीर के कद में आपने देखा होगा कई व्यक्ति बहुत एक्सेस मात्रा में लंबे होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई नाटे कद के होते हैं। तो शरीर के कद या लंबाई को लेकर प्रजातियों को भी वर्गीकृत किया गया है। ये भी प्रजातियों के वर्गीकरण का एक मुख्य आधार है। इसमें क्या होगा कि शरीर का जो कद है वो शरीर का कद जलवायु, वंशानुगत लक्षण या वंशानुगत गुण, आहार अवस्था, आहार अवस्था और स्वास्थ्य इनसे प्रभावित होती है। जलवायु कदों मनुष्य के कद पर इफेक्ट डालेगी, वंशानुगत गुण, आहार अवस्था और स्वास्थ्य, ये सभी जो है वो मानव के शरीर की लंबाई को इफेक्ट करते हैं। अब हम बेसिकली अगर ये देखें कि जो एक आम आदमी है या मानव जो है उसकी औसत लंबाई जो होती है वो होती है आपके 165 सेंटीमीटर। ये क्या है? औसत लंबाई है। लेकिन अगर हम मेल और फीमेल की अलग बात करें तो मेल की होती है 130 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की होती है 120 सेंटीमीटर से 187 सेंटीमीटर की हाइट, और अगर इस पैटर्न के अलावा अगर इससे भी कम है तो वो व्यक्ति बोना या नाटा कहलाता है। ठीक है, तो जो ये आपको साधारण वे में जो बताया गया है इस आधार पर मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों के वर्गीकरण के क्या मानक निर्धारित किए हैं, उनमें हैं 148 सेंटीमीटर से कम तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? नाटा। ठीक है, 148 सेंटीमीटर से अगर 158 सेंटीमीटर तक है तो वो व्यक्ति कहलाएगा छोटा कद, नाटा कद या सॉरी छोटा कद। 159 से 159 से लेकर के अगर 168 सेंटीमीटर के अंदर व्यक्ति है तो वो कहलाएगा मध्यम कद का व्यक्ति। ठीक है, और 169 सेंटीमीटर से 172 सेंटीमीटर तक है तो वो व्यक्ति लंबा कद वाला कहलाएगा, और अगर 173 से अधिक सेंटीमीटर में उसकी हाइट है तो वो कहलाएगा अधिक लंबा कद, अधिक लंबा कद। अब देखिए कि मानव प्रजातियों के का जो वर्गीकरण है कि नाटे कद में, छोटे कद में, मध्यम कद में, इनमें कौन कौन सी प्रजातियां सम्मिलित है, क्योंकि मानव शास्त्रियों ने जो सामान्य औसत जो लंबाई है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। तो नाटे कद के अंदर आप देखेंगे तो आपको पिग्मी और अम्मानवासी जो लोग हैं वो आपको नाटे कद के मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम छोटे कद की बात करते हैं तो छोटे कद में आप देखो पूर्वी एशियन, बैदा और लेप्स जो प्रजाति के लोग हैं वो आपको छोटे कद के मिलेंगे। मध्यम कद की अगर हम बात करें तो मध्यम कद में आपके खिरगिज और पूर्वी सुमात्रा वाले जो लोग हैं वो आपको मध्यम कद के मिलेंगे। लंबे कद की अगर हम बात करें तो पापुआन प्रजाति, हॉटेंटोस प्रजाति और मलेशियन प्रजाति के जो लोग हैं वो आपको लंबे कद के मिलेंगे। और भी अधिक लंबा कद जो है वो रूस में रहने वाली, स्कॉटलैंड में रहने वाली, इंग्लैंड में रहने वाली और सूडान में रहने वाली जो प्रजातियां हैं वो आपको अधिक लंबे कद वाली मिलेंगी। तो ये है आपका शरीर की कद के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण। चलिए तीसरा आता है आपका बालों का रंग और बनावट।
के आधार पर प्रजातियों को किस वर्ग तरह से वर्गीकृत किया गया है? बालों का रंग व बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण। देखिए, हम बालों की बात करें तो बालों को जलवायु, आहार और स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें तो कम इफेक्ट करती हैं, लेकिन आनुवंशिक जो गुण हैं ये बालों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। यानी कि ये हेरिडिटी है, अगर किसी के बाल कम होंगे तो उसकी आगामी जो संतानें होंगी उनके भी बाल कम पाए जाएंगे। अगर माता पिता में से किसी के बाल का के अंदर कोई बीमारी है या बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो ये हेरिडिटी होती है कि आगे आने वाली संतानों में भी वो चीज़ पाई जाती है। तो बालों के आधार पर अगर हम बात करें तो बालों के आधार पर हक्सले और हेडल महोदय ने, हेडल और हक्सले ने तीन प्रजातियां वर्गीकृत की हैं। उनमें से है यूकोट्रिकी, पहली है यूकोट्रिकी, दूसरी है सीमोट्रिकी और तीसरी प्रजाति है आपकी लियोट्रिकी। क्या है यूकोट्रिकी? जो है वो छल्लेदार बालों वाली प्रजाति, है जो कि किसमें पाई जाती है? निग्रो और निग्रोइड, या निग्रीटो जो है वो यूकोट्रिकी या छल्लेदार बालों वाली प्रजाति है। सीमोट्रिकी जो है वो है लहरदार बालों वाली, प्रजाति है, और लहरदार बाल किनके हैं? मंगोलाइड, प्रजाति के बाल जो हैं, कॉकेशियन के हैं, प्रजाति के बाल जो हैं वो सीमोट्रिकी या लहरदार हैं, और लियोट्रिकी हैं बाल सीधे बालों वाली प्रजाति, जो कौन सी है? मंगोलाइड। तो हक्सले ने और हेडल महोदय ने ये तीन प्रकार बताए हैं, यूकोट्रिकी, सीमोट्रिकी और लियोट्रिकी। मुख्य रूप से अगर हम बाह्य शारीरिक लक्षणों की बात करें तो त्वचा का रंग, शरीर का कद, बालों का रंग और बनावट, ये तो हैं मुख्य। इसके अतिरिक्त होठों का आकार हुआ, आंखों का आकार या आंखों की बनावट, किसी की आंखें तिरछी होती हैं, किसी की आंखें सीधी होती हैं, किसी के आईबॉल्स जो होते हैं ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन होते हैं या ब्लू कलर के होते हैं, तो ये जो आंखों का रंग है और आंखों की आकार के आधार पर भी प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है। आगे के वीडियो में मैं आपको आंतरिक लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।